अपने गले से लगाया, मेरे गुनाहों को अपनी रहमत से मिटाया। तू ही है मेरे जीने की बस एक वजह। सच ये है कि मेरा ना कोई तेरे सिवा। परमेश्वर के पवित्र लोगों और परमेश्वर के प्रेमी, परमेश्वर के प्रेमी लोगों, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लाडले बेटे की, मेरे दो बेटे हैं लेकिन छोटे बेटे की, मेरे लाडले बेटे की जिसे हम लोग बाप का लाडला कहते हैं, उसकी शादी अभी हुई है और हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा लाडला बेटा जिसका गढ़ है यहोवा हमारा परमेश्वर, और जिसकी चट्टान है हमारा परमेश्वर, और वो लाडला बेटा मैं जिसे बेहद प्रेम करता हूँ, आप को मैं, मेरे पास ऐसे नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। मुझे मालूम है मैं कितना प्रेम करता हूँ। तो मैं अभी भी मैं उसको छोटा सा बच्चा ही समझता हूँ, और हम लोग जब बातें करते हैं तो लाड से बातें करते रहते हैं, और बाप बेटा साथ में पंगे लेते रहते हैं। पंगे का मतलब ये है कि हम लोग, मतलब वो सारा दिन कभी इधर आएगा, चुंडी बांटेगा, यहाँ से खींचेगा, वहाँ से खींचेगा, वो सारी हरकतें जो है बच्चे वाली वो करता रहता है। और उसमें मतलब वो शादी उसकी हो गई है लेकिन रहता बच्चा ही अभी हो, बच्चे की बातें और सब, और बहुत ही लाडला है। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, यहोवा परमेश्वर उसकी चट्टान है, उसका गढ़ जो है वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, और वो बहुत आराधना करवाने वाला है। लाखों लोग उसको देखते हैं जब वो लीड करता है आराधना को, और वो टेके को चलाता है, जिसको चलाता है। उसकी शादी है, हो गई है, तो उसके लिए हम लोग बेहद खुश हैं हम लोग। और हमारी जो बहू है, परमेश्वर की अभिषिक्त चुनी हुई बहू है, जिसका नाम हम लोगों ने सना रखा हुआ है, जिनकी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। और इतना ही नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है, परमेश्वर से प्रेम करने वाली है और हम लोगों का भी आदर करने वाली है। जैसे मेरी बड़ी बहू हम लोगों का आदर करती है एंजल, और वैसे ही छोटी बहू जो है हम लोग जानते हैं उसे बहुत आदर करने वाली हैं। सर हम लोग बहुत खुश हैं हम लोग, ठीक है, बेटी की शादी करके बहुत खुश हैं। ओके, कल मेरे भरा का विआह सी, जिस विच असी बहुत इंजॉय किया।
हसे खेड नचे बहुत ही इंजॉय किया। तो मैं अपने अपराध बारे कुछ दसना चाहता हाँ। मेरा अपराध जो है बहुत समझदार है, माता पिता की साड़ी सारा की इज्जत करता है, आज्ञाकारी च रहा है और एक चर्च च मतलब वर्शिप कराता है बहुत अच्छे तरीके। तो साडा आशीर्वाद यही है कि प्रभुश सिंह उसनों आशीषा देंदे रहन, बरकता देंदे रहन और अपनी आशीषा नाल पढ़ते रहन। तो मैं आप सबको मेरे देवर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरे देवर की अभी शादी हुई है, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत शरारती भी हैं और घर में सबके सारे घर की रौनक है और जब वो घर में नहीं होते तो सारा घर सुना सुना लगता है और बहुत अच्छे हैं, सबकी केयर करते हैं और सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और सना के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि सना एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीर्वाद देती हूँ कि परमेश्वर हमेशा उन्हें एक बनाए रखे और परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे, परमेश्वर की हमेशा जो प्रतिज्ञाएँ हैं वो उनके जीवन में काम करें, परमेश्वर हमेशा उनको संभाल के रखे और ये आशीर्वाद देती हूँ। खुशियां देवन वाला यीशु ते मैं लख लख शुक्र मनावा। सो प्रभु का धन्यवाद होवे आज के दिन वास्ते, सचमुच परमेश्वर की दया है और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अज मेरे छोटे भरा का विआह कल होया है और अज रिसेप्शन सी, सो असी बहुत खुश हाँ। और सुमन मेरा लाडला भरा है, बचपन तो ही मैं उन्हूं मतलब हमेशा ही ज़्यादा ही लाड मिलया है, उन्हूं ज़्यादा ही प्यार मिलया है और मैं उसनों बहुत प्यार करती हाँ और वह भी मैं बहुत प्यार करता है, मैं पता है मेरी बहुत केयर करता है और मतलब कि हमेशा खड़ा रहता है मेरे वास्ते और परमेश्वर धन्यवाद होए इन्ना वधिया केयरिंग भरा देने वास्ते, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ। और सना वास्ते कहूँगी सना बहुत स्वीट है और परमेश्वर का पैर मनने वाली और मिलनसार है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छा फैमिली मैंबर एक होर जुड़ गया साड़ी फैमिली दे विच तां जो असीं सारा परिवार मिल के परमेश्वर की सेवकाई कर सकीए, परमेश्वर के नाम उच्चा कर सकी सब जन मिल के। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ और प्रभु का शुक्र करते हाँ और बहुत ज़्यादा खुश हाँ, प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो उन्होंने हमें दिखाया, उस महान परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हम दोनों का संगम करवाया। उसके बाद हमारे माता पिता का मेरे हर जरूरत को पूरा किया है, मैंने आज तक पहला परमेश्वर से मांगा है और दूसरा मेरे पिता से मांगा है, मेरे परिवार से मांगा है और सबसे बेस्ट है मेरे पापा जी, उनसे मैंने जो मांगा है आज तक उन्होंने वो दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मैं इतना बढ़िया परिवार दिता, उस परमेश्वर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ।